हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉमा के क्लासेस। मैं आज क्लास 12 का डेटा मैट में आगे के टॉपिक को क्लियर कराऊंगा इस वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो डेटा मैट में हमने लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर कराए थे, उनके इंपॉर्टेंट प्रूविंग क्लियर कराई थी, प्रॉपर्टीज मैंने कराई हुई थी। अब मेरा आता है कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th में अगर किसी ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स गिवन आउट हैं तो हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, वो फॉर्मूला मेरा ये था। उसी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को भी हम लिखेंगे। पहले हम उस फॉर्मूले को लिख देते हैं जो हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। यानी क्या होता था, 1 अपॉन टू एक्स वन, कोई पॉइंट हमें अगर गिवेन आउट है क्या, एक्स वन कॉमा वाई वन, एंड सेकेंड पॉइंट हमें गिवेन आउट है एक्स टू कॉमा वाई टू, एंड थर्ड पॉइंट हमें वो है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। अगर मेरे 3 पॉइंट्स गिवेन आउट है तो हम क्लास 10th में फॉर्मूला जो लगाते थे वो फॉर्मूला ये था, 1 अपॉन टू एक्स वन, एंड इसमें क्या था अंदर, वाई टू माइनस वाई थ्री। इसी तरह यहाँ पे हमारा क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस, एंड यहाँ पे क्या था मेरा, एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि ये क्लास 10 का फॉर्मूला मैंने नोट डाउन किया। अब हम बताएंगे कि अगर डिटरमिनेंट में हमें निकालना है तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। 1 अपॉन टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री, एंड यहाँ पे क्या होगा, थर्ड कॉलम पे मेरा 1 1 होगा, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी मैंने क्या किया। अगर हमारे डिटरमिनेंट में कोई पॉइंट्स 3 में गिवन आउट हैं, एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स टू कॉमा वाई टू एंड एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री 1 1 1 1 1 1। इसलिए लिखा कि अगर हम इसका एक्सप्लेन करेंगे डिटरमिनेंट को तो हमारा क्या गिवन आउट हो जाएगा, 1 अपॉन टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, गिवेन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल तक। अगर हमारे किसी ट्रायंगल में समरेखी है यानी कोलोलिनियर है तो हमारा क्या होंगे, ये एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। यानी एरिया इज इक्वल टू जीरो, तो अगर हमारा एरिया इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड वन 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 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कभी किसी में 3 मेरे पॉइंट्स गिवन आउट होंगे उस पर हमारा पूछेगा कि इसका हमें क्या बताना है, ट्रायंगल का एरिया बताना है। कभी करा गएगा कि इस पर हमें वेरीफाई करना है कि कोलोलिनियर है यानी समरेखी है, तो ठीक है। तो अगर मेरा क्या होता है, एक्सप्लेन करने पे अगर मेरा जीरो आता है, गिवेन आउट होता है, तो वो क्या होंगे, कोलोलिनियर होंगे, यानी ये क्या होंगे, मेरा समरेखी होगा। इसी टाइप से आगे के हम क्वेश्चन से कुछ कराते हैं। गैस है, फर्स्ट हमें मैंने क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, चेक करना है दिस पॉइंट माइनस ए कॉमा थ्री एंड टू कॉमा माइनस टू माइनस फोर कॉमा वन, ये हमें चेक करना है कि कोलोलिनियर है या नहीं है। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, अगर जीरो आता है तो मेरे कोलोलिनियर होंगे यानी समरेखी होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका हम पहले एरिया वाले फॉर्मूले से हम एरिया को निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, एरिया फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसको हम पहले बता दूं कि ये मेरा क्या है, एक्स वन है एंड ये क्या है, वाई वन है, ये क्या है, एक्स टू है एंड ये क्या है, वाई टू है, ये एक्स थ्री है एंड ये क्या है, वाई थ्री। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये छोटी सी चीज है। अब हम इस पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन टू एक्स वन यानी माइनस एट, एक्स टू
टू एंड एक्स थ्री माइनस का फोर, ठीक है। इसी तरह वाई वन यानी थ्री एंड वाई टू माइनस टू एंड ये कितना होगा वन, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा वन वन वैसे ही रहेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, वन अपॉन टू से हमें पहले डिवाइड भी करना है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको अंदर ही जो टर्म्स हैं एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं तो क्या बनेगा, यानी आर वन के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, आर वन के रिस्पेक्ट में, आर वन के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी क्या हुआ माइनस का एट एंड ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप, यानी क्या आएगा माइनस का टू माइनस का वन, ठीक है। एंड ये क्या हुआ पॉजिटिव आया, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव आएगा, राइट हैंड साइड चलता है, यहाँ पे क्या होगा थ्री माइनस का, ये क्या होगा फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम ड्रॉप होगा, तो ये यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा टू अंजा टू माइनस माइनस का फोर आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का फोर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा मेरा प्लस का साइन आएगा एंड ये वन आएगा एंड ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप होगा यानी टू अंजा टू एंड फोर टू जै एट माइनस माइनस प्लस एंड जो पाई मेरा साइन फॉर्मूले में होता है वो माइनस का होता है यानी फोर टू जै एट यानी माइनस का एट, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मेरा जो ब्रैकेट में चल रहा है वो वन अपॉन टू भी चल रहा है, ठीक है, ये मेरा छूट गया था, तो वन अपॉन टू, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं माइनस का एट माइनस का थ्री एंड ये हो गया सिक्स प्लस यहाँ पे हुआ माइनस का सिक्स, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा जीरो होगा, ठीक है। तो आइए करते हैं, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर माइनस माइनस प्लस एंड ये माइनस का हुआ कितना आया थर्टी सॉरी एटीन एंड ये कितना हुआ माइनस का मेरा हुआ सिक्स, तो यहाँ पे आया वन अपॉन टू एंड ये क्या हो जाएगा मेरा जीरो, क्योंकि एटीन एंड सिक्स ट्वेंटी फोर माइनस का एंड ये प्लस का ट्वेंटी फोर, तो यहाँ जीरो आया, तो ये क्या हुआ हैंस में हम क्या लिखेंगे कि ये मेरा क्या होगा कोरोलेरियल होगा, ठीक है। इस पॉइंट को नीचे आप नोट डाउन करेंगे कि दिस इक्वेशन दिस पॉइंट गिवेन आउट ये क्या है मेरे कोरोलेरियल है यानी समरेखीय है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे समरेखीय लिखेंगे। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन में कराता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिखा हुआ है कि हमारे जो गिवेन आउट पॉइंट्स है वो कोलोनीरिया है समरेखीय है, तो प्रूफ करना है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। हमें बताया कंडीशन दी हुई है कि हमारा जो गिवेन आउट पॉइंट है वो कोलोनीरिया है, तो हम कैसे इसको प्रूफ करें कि वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू क्या है वन आए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का, तो हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे एंड एरिया के प्लेस में क्या लिख देंगे जीरो। तो यानी हमने क्या बताया था कोलोनीरियल इक्वेशन जब बनेगी तो ये होगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन 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 एंड ये क्या हो गया था मेरा जीरो हो गया था, ठीक है। ये सारे मेरे क्या है वन है एंड अब इस पर हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करते हैं, तो एक्स वन के प्लेस पे ए एक्स टू के प्लेस पे क्या आएगा जीरो एंड एक्स थ्री के प्लेस पे आया वन, यहाँ पे आया मेरा वाई वन के प्लेस में जीरो वाई टू के प्लेस में आया बी एंड वाई वन के प्लेस में क्या आया मेरा वन आया एंड ये मेरा वन वन वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू क्या चलेगा जीरो चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको एक्सप्लेन करेंगे एलिमेंट्स को, यानी आर वन के रिस्पेक्ट में हमेशा मैं करता हूँ पहले, तो आर वन के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ए एंड फर्स्ट कॉलम फर्स्ट हो गया यानी बी माइनस वन एंड माइनस जीरो लगाया जीरो हो जाएगा सारे एलिमेंट्स प्लस वन लगाएंगे तो क्या होगा वन एंड यहाँ पे हुआ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप होगा यानी कितना आया मेरा जीरो का मल्टीप्लाई वन में होगा जीरो माइनस
वन का मल्टीप्लाई बी में होगा, क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ए बी माइनस ए प्लस, यहाँ पे होगा क्या, माइनस का होगा क्योंकि यहाँ प्लस है एंड यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस का बी, ठीक है, माइनस का बी, ठीक है। एंड मेरा इक्वल भी क्या चल रहा था, जीरो चल रहा था। तो हम इसको क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू, अगर हम माइनस का इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ प्लस का ए आया, प्लस का बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या है, जब आर एच एस पे ट्रांसफर करेंगे तो किसका होगा, प्लस में होगा। अब हम ए बी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ए बी से हम डिवाइड करें तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए बी यानी वन इज इक्वल टू ए अपॉन बी ए डिवाइड हो जाएगा, यानी वन अपॉन ए बी प्लस वन अपॉन ए आएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना था, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या हुआ, प्रूफ हुआ। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, अगर समझ में नहीं आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है। एंड आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें हमें क्या करना है कि किटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी अगर हमें पॉइंट्स में कहीं पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो उसमें हमें के की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अगर उस पर कंडीशन मेरे क्या दी हुई, कोलोनिनिया की यानी समरेखी की कंडीशन दी हुई होगी, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था उसी तरह करेंगे, यानी हम एक्स वन एक्स टू वाई वन सॉरी एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, ठीक है, इज इक्वल टू ये मेरा क्या हो गया, मेरा जीरो होता है, ठीक है, कोलिनियर कंडीशन में यानी समरेखीय होने पे। अब मैं इस पे वैल्यू को पुट करता हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स वन वन एक्स टू थ्री एक्स थ्री टी, ठीक है, एंड ये वाई वन यानी माइनस वन, वाई टू आया माइनस थ्री एंड वाई थ्री आया टू, ठीक है, ये मेरा वन वन वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, मेरा जीरो चल रहा है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी एलिमेंट्स में आर वन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आर वन के जब रिस्पेक्ट में हम करेंगे इसको, तो क्या होगा मेरा, यानी वन, मैं इसको यहाँ पे करूँगा, ध्यान दीजिएगा, वन एंड यहाँ मेरा फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो ड्रॉप यानी माइनस थ्री एंड माइनस का टू, ठीक है, यहाँ पे माइनस का वन है, ठीक है, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वन होगा, ठीक है, वन यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम ड्रॉप हो यानी थ्री बन जा थ्री माइनस का टी माइनस का टी, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा क्या होगी, प्लस का वन एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप हो यानी थ्री टू जो सिक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का थ्री टी, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरा इज इक्वल टू क्या चल रहा है, मेरा जीरो चल रहा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा फाइव माइनस का प्लस ये हो जाएगा थ्री माइनस का टी, हमने ब्रैकेट करके ओपन कर दिया, प्लस सिक्स प्लस थ्री टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा क्या है माइनस का टी एंड यहाँ पे है प्लस का थ्री टी, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे एंड इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बनेगा मेरा, माइनस का टू एंड यहाँ पे बना प्लस का सिक्स एंड ये माइनस होगा यानी प्लस का टू टी आ जाएगा, प्लस का टू टी आएगा, इज इक्वल टू मेरा क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, फोर आएगा, प्लस टू टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो टू टी इज इक्वल टू फोर यानी टी इज इक्वल टू क्या आया, फोर अपॉन टू, यानी क्या आया मेरा आंसर, माइनस का टू आया, क्योंकि हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस का टू आंसर आया। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।